नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दो बातें एशिया के लिए कही जा सकती हैं। पहली ये कि एशिया का बेताज बादशाह कोई नहीं हो सकता, और अगर कोई बनने की कोशिश करेगा तो उसे भारत रोकेगा, और अगर भारत बनेगा तो चीन रोकेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे दुनिया जानती है, और एक बात जिसे सभी जानते हैं कि अमरीका अपने फायदे के लिए किसी के साथ मिल जाएगा और किसी का नुकसान वो करा सकता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साथ मिलकर रूस को खदेड़ दिया, और फिर एक बार एशिया रणभूमि बनने वाला है जिसमें चीन और भारत होंगे, और भारत की तरफ से दुनिया होगी और चीन अकेले रहेगा। लेकिन युद्ध से पहले दोनों देश एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, उसी कड़ी में कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और चीन के दांत खट्टे करने वाला भारत अब एक और रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की हेकड़ी निकालेगा भारत, चीन की गर्दन दबोचने के लिए भारत ने बनाई रणनीति। भारत की रणनीति से कराह उठेगा चीन, भारत की सुरंग रणनीति से हारेगा चीन, चीन की हर चाल को भारत करेगा नाकाम। जी हां, भारत सरकार ने लद्दाख में नीमू पदम दर्चा सड़क संपर्क पर बेहद महत्वपूर्ण सिकुन ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 4.1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग सभी मौसमों में लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाने में आसानी पैदा करेगी। ये सुरंग चीन की चुनौतियों से निपटने की रणनीति की अगली कड़ी है। यह इस केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की माने तो सुरंग के निर्माण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा, और इस पर 1,681 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठाकुर ने आगे कहा कि ये परियोजना सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है, और इससे सुरक्षा बलों को इन इलाकों तक पहुंचने में आसानी होगी। जानकारों की माने तो सुरंग की खासियत हैरतअंगेज है। लद्दाख सिंकुन लॉ की खासियत, बमबारी या मिसाइल हमलों से नुकसान नहीं पहुंचेगा। चीन और पाकिस्तान के हमलों के बीच जवान आसानी से पहुंच जाएंगे, हथियार बिना किसी खतरे के सीमा तक पहुंच सकेंगे। ये सुरंग मनाली दर्चा पदम नीमू एक्सिस पर स्थित है। 16,500 फीट ऊंचाई पर ये स्थित है। पश्चिम लद्दाख और जांस्कर घाटी के बीच हर मौसम को ये जोड़े रहेगी। ये सुरंग सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने का वक्त काफी कम कर देगा। ये मनाली एक्सिस से 298 किलोमीटर लंबी एक स्पेसिफिकेशन रोड को जोड़ेगा। अभी श्रीनगर से जोजिला की सड़कों के जरिए ज्यादा वक्त लगता है। खबरों की माने तो रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में नीमू पदम दर्चा सुरंग के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इसकी लंबाई को लेकर बीआरओ और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के बीच तकरार भी हुई थी। बीआरओ ने छोटी सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि NHIDCL ने 12.7 किलोमीटर सुरंग संपर्क का प्रस्ताव रखा था। सूत्रों की माने तो छोटी सुरंग बनाने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि काम जल्दी हो जाएगा, ताकि निकट भविष्य में भी चीन से मुकाबले की नौबत आए तो उस वक्त मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। आपको जानकारी होगी कि भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहा जाता है। सीमा पर अब भी बहुत कुछ करना बाकी है, ताकि सीमाई इलाकों से साल भर संपर्क बना रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी सैनिक और भारी से भारी हथियारों को अग्रिम मोर्चों तक पहुंचाया जा सके। सुरंग के निर्माण का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि वहां गोला बारूद और हथियार का जखीरा सुरक्षित रूप से जमा किया जा सके। अभी 9 नई सुरंगों का निर्माण चल रहा है। इसमें 2.5 किलोमीटर सीला टनल भी शामिल है, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। इसके अलावा और 11 सुरंग बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन की चाल को रोकने के लिए भारत काम कर रहा है, और क्यों इससे कई चीजों को आसानी से हासिल किया जा सकता है, और उसके बाद दुश्मन पर दबाव बनाया जा सकता है। तो आप फिलहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से चीन डरा हुआ है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।